शिवांगी वाजपेयी, आप देख रहे हैं भारत समाचार। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की पहली खबर के साथ। वाराणसी के सदर तहसील परिसर में कार सवार पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार को गोली मारी गई है। वाराणसी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठेकेदार पर 6 गोलियां बरसाई गई है। ठेकेदार की मौत हुई इस गोलाबारी में। सदर तहसील परिसर में ये गोलीबारी हुई है। दिन दहाड़े ये गोलीबारी, घात लगाए हमलावरों ने, वारदात को अंजाम दिया। वाराणसी की बड़ी खबर, जहां ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार थे जिनको गोली मारी गई, 6 गोलियां मारी गई हैं। ठेकेदार का नाम रितेश सिंह बबलू बताया जा रहा है। रितेश सिंह को उस समय घात लगाए हमलावरों ने गोली मारी थी जब वो काम से सदर तहसील परिसर में अपनी कार लेकर पहुंचे थे। दिन में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक फॉर्चुनर में बैठे किसी व्यक्ति को गोली मारने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जानकारी करने पे यह ज्ञात हुआ है कि एक बबलू सिंह उर्फ नितेश सिंह, ये यहाँ पे किसी मुकदमे में पैरवी के लिए तहसील में आए थे अपने, और सदर तहसील के पीछे के गेट से बनी हुई जगह पे जहाँ पे पार्क अपनी गाड़ी एक किए थे, उसी समय पे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चलाई है, जिसमें मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है। और इस संबंध में और जांच की जा रही है और पता किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से भी बात करके इसके संबंध में। और हमारे साथ रोहित जुड़ चुके इस खबर पर। रोहित, देखिए पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार से हत्या हुई है, अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया था, अब क्या कह रही है पुलिस, किस तरह से छानबीन की जा रही बदमाशों की? देखिए, पुलिस से एक चीज और भी पता चला है कि जो मृतक ठेकेदार है वो सारनाथ थाने में हिस्ट्री सीटर भी है, उसकी फाइल भी खुली हुई है, और साथ साथ कई अपराधों में ये वांछित भी रहा है। तो पुलिस उस एंगल पे भी काम कर रही, क्यों कहीं ये ठेकेदारी से अलग हट के कहीं ऐसा मामला नहीं, आपसी गैंगवार नहीं है, किसी आपराधिक जो प्रतिस्पर्धा होती है उसके कारण। तो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच अपनी शुरू कर दी है। सबसे पहले उसको पुलिस वाले को घर वालों से भी बातचीत करनी है, उसके जो जानने वाले हैं, और साथ ही उसके फोन नंबर को के सर्विलांस के आधार पर जानने की कोशिश कर रही है। कॉल डिटेल निकाला जा रहा है, किससे किससे बात हुई थी, क्योंकि एक बात तो तय है कि सुबह से ही मुखबिरी हो रही थी, क्योंकि जो हत्यारे थे उन्हें पता था कि बबलू को कहाँ जाना है। बिल्कुल, और देखिए पहले से ही रेकी की गई होगी तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस परिवार वालों से भी बातचीत कर रही है और हर एक पहलू पे जांच पड़ताल हो रही। परिवार वालों ने किसी पे आशंका जताई क्या, कोई और मसला हो सकता है? देखिए, अभी सभी लोग पहले हॉस्पिटल गए थे और उसके बाद अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। तो अभी रोहित सिंह, हाँ रोहित सिंह आप बने रहिए, लेकिन दर्शकों को पहले जो एसएसपी उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुना देते हैं। दिन में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक फॉर्चुनर में बैठे किसी व्यक्ति को गोली मारने के बारे में सूचना प्राप्त हुई। इस संबंध में जानकारी करने पे यह ज्ञात हुआ है कि एक बबलू सिंह उर्फ नितेश सिंह, ये यहाँ पे किसी मुकदमे में पैरवी के लिए तहसील में आए थे अपने, और सदर तहसील के पीछे के गेट से बनी हुई जगह पे जहाँ पे पार्क अपनी गाड़ी एक किए थे, उसी समय पे 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उनके ऊपर गोली चलाई है, जिसमें मौके पे ही उनकी मृत्यु हुई है। और इस संबंध में और जांच की जा रही है और पता किया जा रहा है, उनके परिवार वालों से भी बात करके इसके संबंध में। और रोहित जी, आप भी बने हुए, अब अपनी बात को आप पूरी कर सकते हैं। देखिए, अभी पुलिस की जो बातचीत है अभी परिजनों से नहीं हुई है, परिजनों से बात करके तमाम बिंदुओं पे जानकारी पुलिस को जुटानी है कि क्या इधर बीच कहीं किसी से वारदात हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था, कोई रंजिश चल रही है। हालांकि चूंकि वो हिस्ट्री सीटर है तो इस आधार पे पुलिस उसके पुराने इतिहास को भी खंगालेगी, किस तरीके का क्राइम रहा है। तो इन सब तमाम बिंदुओं पे जांच करने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसका फोन भी हो सकता है, फोन का भी कॉल डिटेल वगैरह निकाले जा रहे हैं। रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मछलियां सड़क पर तैर रही हैं, वो कैसे, या आप रिपोर्ट के जरिए देखिए। मछली सड़क की रानी है। सड़क पर तैर रही मछलियां, बारिश के बाद जल भराव की समस्या। मछली जल की नहीं, अब सड़क की रानी है। ये हम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। दरअसल बीते 4 दिनों से हो रही बारिश अब थम गई है। काशी का मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है।
लेकिन चार दिनों तक हुई बारिश के बाद जलभराव की समस्या खड़ी हो गई है और इस समस्या से निजात नहीं मिली है। आलम यह है कि बारिश में कई कुंड और तालाब का पानी सड़क पर आ गया है, जिसके चलते तालाबों की मछलियां सड़क पर तैर रही हैं। रामकुंड में पोखरा ऊपर आ गई सड़क पर, और जिस कारण ये सारी मछलियां हैं जो है अभी सड़क पे आ गई है। काफ़ी देर कल भी कुछ लोग जो हैं समाज सेवा या यहाँ के जो महंत हैं उन लोग सब पोखरे में डाले हैं, लेकिन अभी हमारे आँख के सामने भी बहुत सारी मछलियां सड़क पे तैर रही हैं। बारिश होने की वजह से तालाब से ऊपर आ गई है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, पर उसके लिए खतरा है। लक्सा के रामकुंड में ओवरफ्लो हो गया है, जल भराव की वजह से मछलियां सड़कों पर तैरती नजर आ रही हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है उतना ही मछलियों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी। जलभराव की समस्या ने जहां लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, वहीं सड़कों पर भरे पानी के बीच मछलियां तैर रही हैं। भारत समाचार के लिए वाराणसी से रोहित सिंह की रिपोर्ट। अब आपको चार तस्वीरें दिखाएंगे चंदौली, प्रयागराज, बलिया और गाजीपुर की, जहां बारिश के बाद नदियां उफान पर है। कहीं नाले टूट गए तो कहीं जलभराव की समस्या लोगों को परेशान कर रही है। ये चार तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पहली चंदौली की है, जिसमें देखिए एक साइकिल सवार, बाइक सवार किस तरह से निकलने की कोशिश कर रहा है पानी के बीच से। प्रयागराज से खबर, जहां पर देखिए प्रयागराज में जो तस्वीरें इस वक्त बारिश के बाद नजर आ रही हैं, लोग वोट का सहारा ले रहे हैं जाने के लिए घर से दूसरे छोर पर। और बलिया में भी कुछ हाल ऐसा ही, घरों के अंदर पानी घुस रहा है। और गाजीपुर की भी तस्वीरें आपके सामने है चौथे नंबर पर, जहां पर देखिए लोग बाढ़ बारिश के पानी से खासा परेशान है। सड़कों पर पानी ही पानी है, सड़क का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहां पर सड़क भी होगी। अगली खबर चंदौली से, जहां पर बारिश की वजह से लोग काफी परेशान हैं। तीन दिनों की बारिश के बाद जहां बांधों में पानी भर गया, वहीं पहाड़ी नदियां भी उफान पर हैं। बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाना भी शुरू कर दिया। चकिया तहसील के दर्जनों गांवों में पानी भी घुसा है। तो चंदौली में देखिए बाढ़ जैसे हालात हैं, बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जो जल स्तर है नदियों का वो लगातार बढ़ रहा है और वहां पर लोग काफी परेशान हैं। जो पानी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है नदियों में, उससे उनके घरों तक में पानी पहुंच रहा है। लोगों को डर है इस बात का। और ये सड़कें वहां की देखिए किस तरह से जलमग्न हो चुकी है, सड़क नहीं नजर आ रही लेकिन पानी ही पानी काफी ऊपर तक दिख रहा है सड़कों पर। जो चंद्रावती नाला है यहाँ पे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, यहाँ कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है और जो यहाँ से लोग बहुत दिक्कत में आने जाने में बहुत कष्ट हो रहा है। चंद्रावती नाला का जो संपर्क मार्ग है जी, इसमें पानी से पूरा भरा हुआ है जी, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है सारे लोगों को। बारिश के बाद बाढ़ के पानी में संगम नगरी डूब गई है। आपको बता दें कि हर तरफ वहां पानी ही पानी देखा जा रहा है। गंगा नदी और यमुना नदी दोनों ही उफान पर है, जिसकी वजह से हर तरफ जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। ये तस्वीरें देखिए प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर, लगातार दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ता हुआ और लोग किस तरह से सड़क पर आधे आधे पानी में डूबकर निकलने को मजबूर हैं। वोट का सहारा लेके इधर उधर जाने की, वोट का सहारा भी लिया जा रहा है लोगों के जाने के लिए। और ये बाइक देखिए किस तरह से पानी की वजह से थोड़ी बहुत डूबी हुई भी नजर आई। गाजीपुर से खबर आपको बता दें, सड़क के 2 फीट ऊपर यहां पर बेसो नदी का पानी बह रहा है। रोड की एक तरफ पटरी पानी में बह गई है और वहीं जलभराव के बीच सड़क पार कर रहे हैं लोग और बारिश के बाद नदियां पूरी उफान पर नजर आ रही हैं। गाजीपुर में भी गाजीपुर की तस्वीरें, जहां देखिए सड़क पर पानी भरा हुआ है
और बारिश ने लोगों की वहां पर भी दिक्कतें बढ़ा रखी हैं। अलग अलग जगह के मामले में आपको तस्वीरें दिखाई जिसमें प्रयागराज भी था, चंदौली भी थी, बलिया भी थी, गाजीपुर की तस्वीर अब आपके सामने जहां रोड पर देखिए गाड़ियां किस तरह से पानी के बीचों बीच होते हुए गुजर रही हैं। अब आपको अगली तस्वीर हम बलिया से दिखाते हैं जहां बारिश अपना रौद्र रूप दिखा रही है। बारिश की वजह से यहां पर जिला कारागार में जलभराव हो चुका है और समस्या काफी खड़ी हो रही है। इसी की वजह से पानी भरने की वजह से कैदियों को रोडवेज और प्राइवेट बसों के सारे प्रदेश के दूसरे जेलों में शिफ्ट किया जा रहा है, तो कैदियों को भी शिफ्ट किया जा रहा है। पानी जिस तरह से लगातार वहां पर बढ़ रहा है बारिश के कारण, और इसके बाद दूसरे जेलों में कैदियों को शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही है। रोडवेज और प्राइवेट बसों के सारे जिला कारागार में भी पानी घुस चुका है अंदर तक, और ऐसे में अब सभी अपराधियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट करना दिया। सब जेल में पानी भर गया है, बैरक में भी पानी आ गया है। इसके क्रम में जो है करीब 500 कैदियों को आजमगढ़ जेल में भेजा जा रहा है, शेष को जो है कार्रवाई चल रही है उनको अंबेडकर नगर से। राजस्थान में डूंदरपुर में हो रही बारिश आपको बता दें उसके कारण अब जो नदी नाले हैं वो जलमग्न हो रहे, उफान पर हैं। डूंगरपुर में बच्चे एक ट्रक में सवार भी थे और चालक ने एक पुल के ऊपर से बह रहे पानी के बीचों बीच उसे पार करने की कोशिश भी की। ये तस्वीर भी हम देखिए आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक ट्रक पे बच्चे सवार थे और जो पानी का जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है रोड पर उससे उसको क्रॉस कराने की कोशिश की, लेकिन इसी ट्रक पानी के बहाव में भी बहता दिखा। यह आप लाल घेरे में देख पा रहे ट्रक किस तरह से पानी के वेग के कारण बह गया। ऐसी कोशिश करने की जरूरत नहीं थी ट्रक चालक को, और इसी की वजह से देखिए जो पूरा ट्रक था वो बह गया, इसी नाले में गिर गया और लोग भी उस पर सवार थे। बारिश कुछ हद तक काफी अच्छी लगती है, लेकिन बारिश अब उबाऊ हो गई है। बारिश का कहर इतना ज्यादा कि इससे बड़े पैमाने पर जनहानि हो चुकी है। अब हर कोई बस यही कह रहा है कि प्रभु पानी से बचा लो। बारिश ने मचाई भयंकर तबाही, कहीं धसी रोड, कहीं गिरे मकान। चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम। यूपी में बारिश का कहर लगातार जारी है। इंद्रदेव इतने ज्यादा क्रोधित हो गए हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा है। नदियां उफान पर हैं, घरों में पानी घुस गया, हर तरफ पानी की प्रलय मची हुई है। जौनपुर में बारिश के कारण दर्जनों मकान धराशायी हो गए, बड़े पैमाने पर जनहानि हुई। किसानों के ऊपर भी बारिश कहर बनकर टूटी और उनकी फसल बर्बाद हो गई। बाराबंकी में बारिश ने इतना ज्यादा तांडव मचाया कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। चंदौली में लगातार कई दिनों से हो रही बारिश के कारण बांधों का जलस्तर बढ़ गया है। बांध में पानी बढ़ने के कारण ग्रामीण काफी दहशत में हैं। सहारनपुर में शिवलिक पहाड़ियों पर हुई बारिश श्रद्धालुओं के लिए आफत बन गई है। शाकुंभरी नदी में पानी बढ़ने से देवी माँ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। जान जोखिम में डालकर श्रद्धालुओं ने किसी तरह से नदी पार की। गाजीपुर में बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो गया और एक मकान भी गिर गया। हंसराजपुर वाया नंदगंज मार्ग पर बहने वाली बेशो नदी पर बने सेतु का अप्रोच मार्ग तेज बारिश के कारण बह गया, जिसके चलते करीब 50 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। जिस तरह से बीते कई दिनों से यूपी में बारिश अपना कहर बरपा रही है, उससे लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है। बारिश और बाढ़ से काफी कुछ बर्बाद हो चुका है, अब लोग मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं जिससे थोड़ी राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश में एक तरफ जहां बारिश आफत बनकर आई है, वहीं तराई के जिले लखीमपुर खीरी में बारिश की आस में आमजन है। इस बार औसत से कम बारिश हुई है जिसके चलते इसका सीधा असर किसानों पर पड़ा है। कम बारिश के चलते धान की फसल सूख रही है, कई इलाकों में फसल सूख भी चुकी है, और इसके अलावा कम बारिश का असर गन्ने की फसल पर भी पड़ा। वहीं निघासन और सदर तहसील के कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। आसमान से हुई बेरुखी के बाद अब किसानों को सरकार से मदद की आस है। तो देखिए लखीमपुर में किस तरह से किसानों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो रही, जहां एक तरफ हर जगह हमने ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई भारी बारिश, तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर में लोग बारिश की उम्मीद जता के बैठे, और ऐसे में सरकार से उनको आस है।
लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। आसवनियों में एथेनॉल की निकासी में खेल हुआ है। लखनऊ से बड़ी खबर, आसवनियों में एथेनॉल की निकासी में खेल किया गया। कम मात्रा में मिलाया जाता है डिनोचरेंट, रास्ते में टैंकर वाले बेच देते हैं एथेनॉल और कम मात्रा में इसे मिलाया जाता है डिनोचरेंट में। कच्ची शराब बनाने में काम आता है एथेनॉल। और इसके साथ ही आपको बता दें कि डिनोचरेंट कम होने से गंध का अभाव होता है। कम डिनोचरेंट मिलाकर एथेनॉल में घपला और ढाबों के माध्यम से एथेनॉल बेच लेते हैं। अधिकांश एथेनॉल उत्पादक इस खेल में शामिल हैं। आसवनियों में एथेनॉल का ये निकासी में खेल देखा जा रहा है। इसी के साथ केमिकल सप्लाई करने वाली कंपनी की साठ गांठ भी बताई गई है। एथेनॉल में फ्यूजन ऑयल करते हैं मिक्स। मथुरा से अगली खबर है, जहां पर छेड़खानी करने पर महिला ने युवक की पिटाई कर दी। महिला को पिटाई करता देख भीड़ ने भी आरोपी को पीटा। मामला शहर कोतवाली के बाटी वाले कुंज के पास का बताया गया। अगली खबर आपको बता दें, जहां पर दबंगों ने मेरठ में पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ पहले गाली गलौज किया और फिर युवक पर फायरिंग भी कर दी। दबंगों ने युवक की बाइक में आग तक लगा दी। दरअसल चबूतरे को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया था। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची। दबंगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। सीतापुर से खबर है, जहां पर एक ही परिवार के दो बच्चे गायब हुए। सुबह घर के सामने खेल रहे थे बच्चे, परिवार वाले सदमे में रो रो के परेशान हो गए। उनका बुरा हाल है। मोहल्ले के जो लोग हैं उनमें भी दहशत का माहौल है। मौके पर पुलिस पहुंची है, तलाश में जुटी है। शहर कोतवाली के कोर्ट का पूरा मामला बताया गया है। तो सीतापुर में देखिए कि परिवार के दो बच्चे गायब, अब परिवार वाले खासा परेशान है। अगली खबर आपको बताएंगे आगे। अब हम अगली खबर देखिए कासगंज से, जहां पर कबीर फ्लोर मिल पर छापेमारी हुई है। बिजली विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस फोर्स के साथ छापेमारी की गई है। बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी भी पकड़ी गई। जमीन के अंदर तार छिपाकर बिजली चोरी की गई थी और जो मिल के मालिक हैं उन पर भी FIR अब दर्ज होगी। पटियाली के भरगैन कस्बे का पूरा मामला है। फ्लोर मिल पर छापेमारी, बिजली विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है और पुलिस फोर्स के साथ ही छापेमारी की गई कासगंज में। महाराजगंज से अगली खबर, जहां नेपाल में प्याज के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार के आदेश के बाद सीमा पर रोकी गई है प्याज की गाड़ियां। और देखिए भारत से रोजाना सैकड़ों ट्रक प्याज की होती थी सप्लाई, सुनैली सीमा पर भी रोके गए हैं सैकड़ों प्याज के ट्रक। मेरठ से अगली खबर आपको बता दें, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ पहुंची हैं। CCSU के दीक्षांत समारोह में शिरकत की, मेधावी छात्रों को मेडल से सम्मानित भी किया है। दीक्षांत समारोह में पहुंचकर राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। मेरठ से खबर, जहां दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुंची थी आनंदीबेन पटेल। हापुड़ से अगली खबर आपको बता दें, एलिवेटेड रोड का गडकरी ने किया उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन कर दिया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के थर्ड फेज का काम पूरा। हापुड़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, एलिवेटेड रोड का गडकरी ने उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के थर्ड फेज का काम पूरा हो गया है। डासना से हापुड़ तक 6 लेन का उद्घाटन और 5.25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन हुआ है। राजपुताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम भी है आज, वहां पर
जनसभा को भी संबोधित करना है। वीके सिंह, केशव मौर्य समेत कई लोग मौजूद हैं। नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित करेंगे राजपुताना रेजिमेंट कॉलेज में। तो नितिन गडकरी जनसभा को संबोधित करेंगे और जो सिक्स लेन का उद्घाटन था वो कर चुके हैं, हापुड़ पहुंच चुके हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। शाहजहांपुर से खबर जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद की गिरफ्तारी के लिए पहुंची है पुलिस। जितिन प्रसाद के साथ लगभग 150 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी देंगे और जितिन के आवास पर भारी हंगामा भी देखा गया है। तो जितिन के आवास पर हंगामा देखा गया, जितिन के कई कार्यकर्ताओं को देंगे गिरफ्तारी और आवास पर हंगामा है। शाहजहांपुर की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस के तमाम कर्मी मौजूद हैं, गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुके हैं। मौजूद है पुलिस लाइन में, आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। हालांकि जो कांग्रेसी नेता है उनको यहाँ पर लाया जा रहा है बारी बारी से। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर जो जितिन प्रसाद हैं और धीरज गुज्जर हैं और जो तमाम ऐसे बड़े नेता जो हैं जिनको यहाँ पर कैद किया गया है पुलिस द्वारा, क्योंकि शाहजहांपुर में धारा 144 लागू है उसको लेकर जो आज न्याय पदयात्रा जो निकालना चाह रही थी कांग्रेस, उसको प्रशासन ने रोक दिया है। कहीं ना कहीं उनकी मंशा थी कि यहाँ से वो पदयात्रा निकालेंगे और उस को अन्याय दिलाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर जो कांग्रेसियों की जो मंशा थी वो उसको धराशायी कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने और यहां के प्रशासन ने। शाहजहांपुर से मिल सकते हैं भारत समाचार। लखनऊ में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन से भी बातचीत की हमारे संवाददाता सीमा नकवी ने, वो भी देखिए आप। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आशुतोष टंडन जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बड़ा खुशनुमा मौसम है और माहौल भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में। आज सुरेश तिवारी जी नामांकन करने जा रहे हैं, तमाम जगहों पे नामांकन हो रहा है, क्या लगता है कि इस बार कितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा? जिन जगहों पे प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं वो सभी स्थानों पर जनता का समर्थन, जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हमारी केंद्र सरकार की गौरवशाली उपलब्धियां हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2.5 साल से प्रदेश में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है उसमें विकास के जो कीर्तमान स्थापित किए हैं आप देखिएगा। 24 अक्टूबर को सारी सीटें भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक 36 घंटे का सदन चलने वाला है, उसको लेकर हमारे से बातचीत करेंगे। सर, ये इतना बड़ा कदम है, ये पहली बार हो रहा है भारत के इतिहास में। महात्मा गांधी के 150 वर्षीय 150वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर दिन के 11 बजे से विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो भारत सरकार ने जिस पर सहमति दी है, जिसमें हर प्रकार के विकास की किरण दिखाई पड़ेगी और हमने बहुत कुछ इसके लिए किया भी है, उसी को और अधिक व्यापक बनाने के लिए एक सार्थक चर्चा 36 घंटे की होगी, जो 2 तारीख को 11 बजे शुरू होकर 3 तारीख की देर रात तक चलेगी। और ये अपने आप में पहली बार ऐसा प्रयास है कि जो विधानसभा का सत्र रात भर चलेगा और मैं समझता हूँ कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को और सिंसियरिटी को दर्शाता है कि वो कितने गंभीर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। जहाँ तक आज चुनाव का प्रश्न है तो जनता मन बना चुकी है कि वो फ्यूज ट्रांसफार्मर से कोई अपना तार नहीं जोड़ता, चालू ट्रांसफार्मर से अगर तार जोड़ेंगे तो आपका बल्ब भी चलेगा, पंखा भी चलेगा, ट्यूबवेल भी चलेगा और रोशनी भी होगी और हवा भी मिलेगी। तो इस वक्त बीजेपी चालू ट्रांसफार्मर है और जैसा फ्यूज ट्रांसफार्मर। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। सरकार में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ बातचीत के लिए। सर, आज बड़ा अच्छा मौसम है, आज नामांकन होने जा रहा है। पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग जगहों पर भी हमारे प्रत्याशी कर रहे हैं। उपचुनाव पार्टी पूरी तौर पर संगठनात्मक एक ताने बाने को मजबूत करते हुए लड़ रही है और हम अपने विकास किया है, विकास हमारा मुद्दा है और उसी आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। लखनऊ में कैंडिडेट के साथ राष्ट्रीय महासचिव
उनको उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। सतीश जी, जिस तरीके से आज यहां पर पहुंचे हैं, क्या मुद्दे होंगे खासकर लखनऊ और 11 सीटों पर? देखिए, लखनऊ क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जहां 11 सीटें हैं, सब जगह एक ही माहौल है और सब लोग, आम जनता जो है वो त्रस्त है किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, किस तरह से डेवलपमेंट के नाम पे जीरो है। इस सरकार में खाली ढोल पीटने की बात होती है, करने का कुछ होता नहीं है। बहन मायावती जी को सब याद कर रहे हैं, बच्चा बच्चा याद कर रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो वो याद कर रहे हैं, महिलाएं याद कर रही हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर को याद करके, और वो चाहते हैं कि दोबारा से बहुजन समाज पार्टी अपना परचम फैलाए। और हमें पूरी उम्मीद है कि अब की बार लखनऊ में तो हम लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, जहां का पूरा शहर ही बदलने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया, हम लोग बाकी सीटों में भी जीतेंगे। उपचुनाव हुए, हमीरपुर का जो नतीजा था वो कहीं ना कहीं दुखदाई रहा? देखिए, कोई ऐसा दुखदाई नहीं होता है, हर चुनाव अलग होता है। ये 11 सीटें हैं, एक साथ हो रही हैं, वो अलग से एक चुनाव हुआ था, और अब जो 11 सीटें हो रही हैं, इसमें आप किसी भी सीट पर चले जाइए, आपको ये मालूम पड़ रहा होगा कि बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। चिन्मयानंद मामले में लड़की जेल पर है और जो है चिन्मयानंद पीजीआई के एसी हॉस्पिटल में है और विपक्ष विरोध भी कर रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शो करता है कि सरकार की मंशा क्या होती है। एक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, अगर किसी ने भी कोई अपराध किया और किसी ने भी गलत कार्य किया, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का ही कोई नेता ना रहा हो, एमपी ना रहा हो, पर उसको बख्शा नहीं किया, उसको जो सजा मिलनी चाहिए वो दी गई। कैमरा पर्सन सुधीर जायसवाल के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। आज रेस्टोरेंट से कढ़ाई पनीर ऑर्डर करें।